अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। आज मैं जा रहा हूँ जी बड़े शहर, और भाई की तरफ से हुक्म मिला था बड़े भाई की जानब से कि मेरा एक पार्सल आया हुआ है, भैया वो जाओ और ले के आओ। तो सारी बात है, जाना पड़ता है भाइयों के लिए, जाना पड़ता है बिल्कुल। असल में उन्होंने पार्सल एक मंगाया हुआ था, वल्लाह आलम काफ़ी दिनों से वो उनका जो है वो पेंडिंग था, उनको मिला नहीं। तो आज उन्होंने सुबह कोरियर वालों से रब्ता किया था, तो उन्होंने कहा जी कि सिर्फ आपके इलाके का एक ही कोरियर है जो आपके नाम से है। तो उस एक कोरियर के लिए हमारा जो डिलीवरी मैन है वो नहीं आ सकता आपके इलाके में, तो आप ऐसा करें आप आकर इधर से ही जो है वो रिसीव कर लें। तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया क्योंकि उनकी अपनी तबीयत ख़राब थी, उनका ऑपरेशन हुआ हुआ है, सारी बात है। तो दुआ भी करें उनके लिए, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत दे। तो मैं भी जा रहा हूँ उनका कोरियर कलेक्ट करने के लिए, तो फिर इंशाल्लाह वापसी पे आपसे मुलाकात होगी जब मैं कोरियर लेकर आ जाता हूँ। अच्छा, एक मज़े की बात आपको बताना भूल गया कि मुझे सख्ती से हुक्म मिला है कि आपने वो कोरियर खोलना नहीं, देखना नहीं है आपने, और ला के मुझे दे देना है। तो आपको पाकिस्तानी अवाम को तो पता है कि जो चीज़ जिस चीज़ से मना किया जाए वही करनी भी होती है, और जब से मुझे ये बताया ना उन्होंने तो मुझे एक तजस्सुस सा है कि उसमें क्या हो सकता है ऐसा कि मुझे सख्ती से मना किया गया है कि उसको खोलना नहीं है। तो मैं उसको भाई खोलूँगा ज़रूर, वो इस वजह से कि मुझे पता है कि मेरे खोलने पे भी वो मुझसे इतना नाराज़ नहीं होंगे और गुस्सा नहीं करेंगे, और मैं इसलिए सिर्फ देखूँगा कि उसमें ऐसा क्या है कि जिससे वो मुझे मना किया गया है खोलने से। बाकी बातें छोड़ें जी, आप हमारे इलाके की खूबसूरती चेक करें। ये मैंने एक शॉर्टकट अपनाया था शहर जाने के लिए, तो ये रास्ते में ना ये बड़ा ख़ूबसूरत एक बाग सा आता है, सड़क किनारे बड़े ख़ूबसूरत दरख्त यहाँ पर इन्होंने लगाए हैं, और बाकायदा उनकी हिफाजत के लिए बाड़ भी लगाई गई है ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुँचा सके। तो बड़े ख़ूबसूरत दरख्त हैं माशाल्लाह, और बहुत ही ख़ूबसूरत मंजर यहाँ पर ये पेश करते हैं। ये देख लें इनकी वैसे सड़क जो है वो कितनी ख़ूबसूरत नज़र आ रही है। हमारे इलाके की खूबसूरती देखें आप, ये सामने गन्ने की फसल है, हमारे इलाके की मशहूर सौगात। दो ही चीज़ें यहाँ पर आम मिलती हैं, किन्नू और गन्ना, माशाल्लाह। ये देखें आप, एग्रीकल्चर में तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे सरगोधे का कोई जोड़ नहीं भाई, कोई किसी का मुकाबला नहीं है, और जितनी अशिया यहाँ पर पैदा होती हैं इतनी पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पैदा नहीं होती। सब्जियाँ क्या, फल क्या, और दरख्त क्या, हर अनवा के तकरीबन यहाँ पर उग जाते हैं, और ये आप देख भी सकते हैं मेरी हर चारों तरफ जो है वो सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। कहीं गन्ना आपको नज़र आएगा, कहीं किन्नू नज़र आएगा, कहीं बागात नज़र आएंगे, हत्ता कि यहाँ तक के जामनों और आमों के बागात भी इस इलाके में मौजूद हैं। तो मैं ये जा रहा था तो रास्ते में मैंने सोचा आपको अपने इलाके की खूबसूरती भी दिखाऊं, फसलें दिखाऊं कि यहाँ पर क्या क्या उगता है। आप ये देख सकते हैं ये दूर दराज एकड़ों के एकड़ जो है ये गन्ने की फसल काश्त की गई है, और इस साइड पर भी जो है ये सारा गन्ना ही गन्ना है। अच्छा, अभी हुआ कुछ यूँ है कि अभी रास्ते में भाई की कॉल आ गई थी, और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है कि भाई आप रहने दें, अगर आप जा रहे हैं रास्ते में हैं तो आप ऐसा करें आप वापस आ जाएं। उसकी वजह यह है कि कोरियर वालों का मैसेज आ गया है, और उनका मैसेज आया कि जी कि योर पार्सल इज़ आउट फॉर डिलीवरी, तो आप ऐसा करें आप वापस आ जाएँ, पार्सल वहाँ से निकल आए। अब ये समझ नहीं आ रही कि अचानक सुबह उन्होंने कुछ और कहा था, अभी जो है चलें मेरे लिए तो बेहतर है, इतना लंबा सफ़र 60 किलोमीटर चल के जाना था तो बेहतर है, अभी वो मेरी बचत होगी है, तो अभी चलते हैं चल के जो है वो। अब पार्सल रिसीव तो फिर वही करेंगे, सारी बात है, अगर मेरा जुगाड़ लगा मुझे मिला तो मैं उसको खोलूँगा, अदरवाइज़ अब क्योंकि घर तक आना है, सारी बात उन्होंने घर का एड्रेस दिया होगा तो वो खुद ही खोलेंगे, सारी बात है, लेकिन चलें फिर भी देखेंगे तो सही उसके अंदर है क्या, उन्होंने क्या मंगवाया है जी। तो लगता है कि अपना जो जुगाड़ है ना वो लग ही जाएगा। उसकी वजह ये है कि रास्ते में फिर दोबारा भाई की कॉल आ गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा है कि कोरियर वाले से रब्ता हुआ, और उसने कहा है कि भाई हम आपके एड्रेस तक जो है वो नहीं पहुंच सकते, तो आप ऐसा करना कि आप अपने मेन सिटी तक आ जाना, वहाँ से आके अपना पार्सल रिसीव कर लेना। तो अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो जा सके मेन सिटी तक पार्सल लेने के लिए, अभी उन्होंने दोबारा मुझे कहा है कि आप भाई चले जाना और जाके जो है ना वो पार्सल रिसीव कर लेना, तो अभी मुझे ही जाना पड़ेगा। तो अपना जो खोलने वाला प्रोग्राम है ना
वो इंशाल्लाह हो जाएगा जी। तो दोस्तों फाइनली पार्सल आ गया है मेरे पास और मैं अभी गया हूँ और सिटी से लेके आया हूँ इस पार्सल को। सरगोधा नहीं गया, मैंने आपको बताया था कि पहले ही कॉल आ गई थी कि पार्सल जो है वो डिलीवरी के लिए आउट हो चुका है। तो आगे फिर हमारे भेरा सिटी में ये मैंने रिसीव किया है जाके और मैं इसको वहाँ पर एक दफ़ा खोल चुका हूँ। उसकी वजह ये है कि भाई की कॉल आ गई थी पहले ही और भाई ने मुझे इजाज़त दे दी थी कि आप इसको एक दफ़ा खोल कर जो है वो देख लेना। उसकी वजह यह है कि आप लोग जानते हैं कि आज कल जो है वो ऑनलाइन स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए एक दफ़ा वहाँ पर हो तो कुछ नहीं सकता था, खैर वो कुरियर वाले ने वापसी थोड़ी लेके जाना था, लेकिन फिर भी एक दफ़ा खोल के देखना ज़रूरी था कि मतलूबा चीज़ हमारी इसके अंदर है या वैसे ही हम उसको पैसे दे रहे हैं। तो ये मैं तो एक दफ़ा देख चुका हूँ लेकिन मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग करूँगा इसकी और आपको दिखाऊँगा कि इसमें था क्या। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था लेकिन इसमें निकला कुछ और है। तो ये जी इसमें एक बॉक्स है और ये है एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, ये आप देख सकते हैं स्मार्ट सुपर बॉक्स और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो साइड पे यहाँ पर लिखी गई है। आप देख सकते हैं कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इसके अंदर वाईफाई है और इसके अलावा इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 4 GB रैम है और 64 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है। तो OTA, व्हाट इज़ OTA मैं नहीं जानता इस बारे में। बाकी H265 MPEG-4 को ये सपोर्ट करता है यानी कि HD है और ये आप देख सकते हैं कि 8K तक जो है ये वीडियो चलाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इसके अंदर बस यही कुछ है और बैक साइड पे देख लेते हैं क्या कुछ इसके लिखा हुआ है, खोल के भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह आपको। और बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि CPU इसके अंदर H616 कॉर्टेक्स का लगा हुआ है और इसके अलावा इसका GPU जो है वो माली G31 है, वाईफाई है और TF कार्ड को सपोर्ट करता है, LAN इसके अंदर सपोर्टेड है, 4K 2K HD बैंड को सपोर्ट करता है, 8K H265 को सपोर्ट करता है और इसके अलावा इसकी जो पावर सप्लाई है वो 5V 2A की है यानी कि बहुत लो पावर कंजप्शन करने वाला है ये। और इसके अलावा बस यही कुछ है, मेड इन चाइना है। अब इसको खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है ये एक कार्ड देखने को मिला है जो कि IPTV परचेज़ के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं और उसकी जो है वो मंथली जो उसका रेंट है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले ये डिवाइस है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं असल में एक हाथ में मेरे मोबाइल है और दूसरे हाथ से मैं सिर्फ एक हाथ यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है और इसके अंदर सिर्फ यहाँ पर 2 पोर्ट्स देखने को मिल रही हैं, सॉरी 3 पोर्ट्स हैं और एक HDMI है, एक LAN की पोर्ट है इंटरनेट के लिए DSL के लिए और एक AV ऑडियो वीडियो की आउटपुट पोर्ट है। अब AV के लिए मेरा ख्याल ये इन्होंने अच्छा दूसरी इसमें यूज़ हुई है AV जो है और ये आप देख सकते हैं OTT TV बॉक्स। और इसके अलावा फर्दर जो है ये इस बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिवाइस के अलावा इसके अंदर इसका रिमोट है और रिमोट के अलावा एक केबल है, आई थिंक ये HDMI, हाँ जी HDMI केबल है टीवी को कनेक्ट करने के लिए। और इसके अलावा आपके इसमें आ जाता है चार्जर, ये चार्जर है 5V 2A का जो कि इसको ऑन करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो जी ये था एक पार्सल जो आज मैंने आपको दिखाया, अनबॉक्सिंग भी की, एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स था और ये बेसिकली भाई ने मंगवाया था, वल्ला आलम इसका पर्पस क्या है, उन्होंने क्यों मंगवाया है ये अल्लाह बेहतर जानता है। उसकी वजह ये है कि उनके पास ऑलरेडी टीवी तो है लेकिन मे बी ये उस टीवी को एंड्रॉयड टीवी बनाना चाह रहे होंगे जिस वजह से ये उन्होंने मंगवाया है, क्योंकि वो सिंपल LED है गालबन और अभी ये इस डिवाइस के ज़रिए से वो एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोबारा से इसको बंद कर देते हैं और भाई उनकी चीज़ है उनके जाके हवाले करेंगे। तो कैसे लगी आज की वीडियो, आपको उम्मीद है आज की वीडियो ये कावश मेरी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे डॉक्टर मोहम्मद आसिफ सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।